हाय एवरीवन वन मैं रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपाली किचन तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूं कार थीम केक की रेसिपी तो ये जो कार थीम केक है तो ये ऑर्डर मुझे मिला था ये मेरा ऑर्डर का केक है और इसमें उनको कार थीम केक तो चाहिए था उनके बच्चे को कार बहुत पसंद है तो उन्होंने कहा था कि आप कार थीम केक तो अगर बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो मैंने कार थीम केक बनाया लेकिन उन्हें टॉपर नहीं चाहिए था और उन्हें फॉन्डेंट तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो बहुत मुश्किल में मैंने ये केक बनाया क्योंकि इसको बनाने में ना ये पूरी जो कार मैंने बनाई है कार से बना ए, क्रीम से बनाई है तो उसको बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ी तो यही सब मैं आगे आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर करूँगी और बिना फॉन्डेंट के और बिना टॉपर के ये कार थीम केक हमने बना के तैयार किया है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं ये गनाश बना रही हूँ चॉकलेट गनाश अपना चॉकलेट का क्योंकि ये चॉकलेट केक ही है बेसिकली है ना तो सबसे पहले मैं चॉकलेट को जो है निकाल के रखा था और अब इसको मैं कट कर लेंगे बारीक बारीक पीस में और यहाँ पे मेरे पास में अमूल का क्रीम था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास में अमूल का क्रीम नहीं हो तो आप अपना जो विप क्रीम होता है उसे भी यूज़ उस कर सकते हैं पर मेरे पास में ये रखा हुआ रहता है क्योंकि और भी मैं रेसिपीज आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ तो ये मुझे काम आ ही जाता है तो यहाँ पर मैंने एक बार जो होता है अपना चॉकलेट का वो लिया है और उसमें मैंने मिला लिया एक क्रीम आधा उसका आधा मैंने क्रीम मिलाया है और अब सीधे इंडक्शन पर रखे ही मैं इसका ग्लाश बना रही हूँ इन दोनों दो को एक साथ में मेल्ट कर रहे हैं कोई डबल बॉयलर का यूज़ नहीं किया है इसमें मैंने और इसको बस ऐसे ही पिघलाते जाएंगे इसको रोकना नहीं अपने हाथ को हिलाते जाना है तो क्या होगा ये नीचे से लगेगा नहीं और देखिए कितना स्मूथ सिल्की गारा तैयार हो चुका है तो इसे मैं ठंडा कर लेती हूँ रूम टेम्परेचर पर अब अपना बेस बना लेते हैं केक का तो ये मेरा जो केक है ये डेढ़ के का था तो यहाँ पे मैंने तीन कप जो है वो प्रीमिक्स लिया है चॉकलेट का ही प्रीमिक्स है मेरा बस इसमें पानी डाल के इसका मिक्स करते जाना है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर हमें तैयार कर लेना है एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और अपना स्मूथ सा बैटर देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया है ये स्मूथ सा तो मैंने इसमें ए, हाँ तीन चम्मच ऑयल भी डाला था वो मैं पता नहीं क्यों दिखाना भूल गई तो यहाँ पे मैंने इसको अपने केक टिन को आ, बेकिंग से वो कर लिया है ग्रीस कर लिया था थोड़ा सा और ये लगा दिया है अब इसमें मैं डाल दूँगी बैटर अपना तो बैटर को थोड़ा सा रखने से पहले ना उसको थोड़ा सा डैप कर लीजिएगा ताकि उसमें कोई एयर बबल्स हो तो निकल जाए और मैंने अपने भगोने को पहले ही प्रीहीट करने के लिए रख दिया था और अब केक देखिए हमारा केक कितना बढ़िया बीस से पच्चीस मिनट में बढ़िया सा तैयार हो जाता है और एक बार स्टिक डाल के देख लीजिए अगर क्लीन निकल रही है तो आपका केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है और अगर नहीं हुआ हो तो उसे थोड़ी सी देर और रख दीजिएगा तो यहाँ पे मैंने अपने केक को ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद में ही मैं इसकी कट कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने अपने केक की चार लेयर्स को कट किया था चार से पांच लेयर हो गई थी मेरी केक की तो अब मैंने लिया है क्रीम तो यहाँ पे मैंने अभी दो कप के करीब क्रीम लिया है तो मुझे काफ़ी सारे कलर्स के भी क्रीम बना देते थे क्योंकि कार जो है दो तीन कलर में मैंने बनाई है ब्लैक कलर भी चाहिए था रेड कलर भी चाहिए था और ये मैं फिलिंग के लिए जो केक की लेयर्स में जो क्रीम लगाएंगे उसके लिए क्रीम बना रही हूँ तो इसमें मैंने क्या किया है चॉकलेट का गनाश भी डाल दिया है तो जिससे ना अंदर बढ़िया चॉकलेट का फ्लेवर आएगा तो उसको मैंने अपने केक की लेयर को रख के उसको सोक कर लिया था पानी से और पानी में मैंने थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट भी डाल दी थी तो गर्म पानी में न तो ऊपर से क्रीम लगा दिया है और अब जो गनाश लगा दिया है ऊपर से और थोड़े से मैंने चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए उन्हें तो रिच चॉकलेट फ्लेवर चाहिए था तो मैंने थोड़े से चॉको चिप्स भी डाल दिए हैं उसमें तो यहाँ पे मेरी क्रम कोटिंग जो है वो केक की हो चुकी है और मैंने पेंसिल से ना ये देखिए ड्रॉ कर ली थी कार को पहले ही और यहाँ पे मुझे सिर्फ कार को ड्रा करने में सिर्फ कारों को ड्रॉ करने में मुझे पूरे दो घंटे लगे गाइस इससे तो अगर वो टॉपर दे देते थे तो बस टॉपर से क्या है कि ऐसे लगाओ और आपका काम हो गया टॉपर नहीं था तो फॉन्डेंट से क्या होता है फॉन्डेंट को जल्दी से कट करो और चिपका दो भाई वो भी काम हो जाता है फटाफट लेकिन इसको बनाने में इतना टाइम लग गया ना एक तो अलग अलग कलर की क्रीम बनानी पड़ी और गर्मी का टाइम था तो क्रीम में ना बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाती है आपको पता ही है तो यहाँ पर मैंने रेड कलर की क्रीम को पाइपिंग बैग में सिंपल पाइपिंग बैग में भर लिया है और उसको कार को जो पहले ड्रॉ कर लिया था उसके चारों तरफ इस तरीके से बना लिया है और मेरे पास में स्क्रैपर था उससे थोड़ा सा स्मूथ कर लिया है तो यहाँ पे मैंने ये लाइट बनाई है कार की तीन चार कलर्स बनाने पड़े इसमें थोड़ा आफत तो थो रहता है ये ब्लैक कलर बनाया है इसमें मैंने नोज़ल लगा लिया था सिंपल वाला जो नोज़ल होता है ना एक पॉइंट वाला वो नोज़ल लगाते हैं उसमें ईजिली निकल जाती है तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसके पहिए सब में ऐसे क्रीम लगाते जाना था और फिर उसके बाद में उसको स्मूथ भी करना था तो ऊपर वाले टॉपर टॉप पे जो मैंने कार बनाई थी उसको बनाने में तो फिर भी चलो ठीक था लेकिन साइड में कार बनाने में मुझे बहुत आफत आई तो ये जो कार के पहिए के ऊपर जो ऊपर से उठा हुआ था ना क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता तो वो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम लगा ली थी और अब मैं बना रही हूँ कार की बाउंड्री और ये जो खिड़की वगैरह थी इसमें मैंने येलो कलर डाल दिया था उसके अंदर तो बाउंड्री वाला काम मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगा क्योंकि ये तो फटाफट हो गया उसको स्मूथ करना सबसे मुश्किल काम था मैं बहुत थकी थी उस दिन इस केक को बनाने में सबसे ज़्यादा थकी हु सच में मतलब अगर वो टॉपर दे देते तो भाई टॉपर हाल फटाफट से लगाओ छुट्टी पाओ और अगर फॉन्डेंट का भी काम होता तो भी दे था। पर बट फिर भी मैंने उनकी ख्वाहिश को पूरा किया कि उन्हें क्रीम की कार बना के दी कार थीम केक दिया वो भी बिना फॉन्डेंट के और बिना टॉपर्स के टॉपर्स में कोई देना नहीं चाहता पता नहीं कि उनको ऐसा लगता कि कहीं हम टॉपर्स लगाएंगे तो कहीं एक्स्ट्रा चार्ज ना जाए मैं खुद दे देती लेकिन मेरी इतनी मेहनत बचती कोई बात नहीं लेकिन केक बन के बहुत अच्छा लग रहा था और उन्हें भी बहुत पसंद आया ये देखिए मैंने चारों तरफ से लगा बना दी हैं कारें इस इन कारों को बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया और मैं बना रही हूँ इसमें बॉर्डर और बॉर्डर में वाइट क्रीम में मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर में दिया था जिससे ना क्योंकि लड़के का था तो लड़कों को पता नहीं क्यों ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे तो रेड कलर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने रेड कलर की कार बना दी मेरी कार भी रेड कलर की ही है तो इसी तरीके से ऊपर नीचे बॉर्डर बना देंगे और मैंने तो ऐसे ही केक फिनिश किया था फिर हस्बैंड को फ़ोन लगा के उनको बताया कि देखो ये केक ऐसा है तो फिर सबको लगता है कि नहीं इसमें ऐसा करो अरे इसमें ऐसा करो तो दो चार चीज़ें और ऐड कर दी फिर ऐसा लगा फिर वो बोलने लगे कि तुमने जो ये कार बनाई है ना ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उड़ रही है उसको कोई बेस नहीं मिला है तो फिर मैंने बाद में उसमें ना थोड़ी सी घास बना दी और ऐसा मतलब ज़मीन वाला टेक्सचर दे दिया उसको थोड़े से फ्लावर्स बना दिए इस तरीके से उसको और थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था वो मैं अभी नहीं बताऊंगी मैं उसका केवल फ़ोटो बता सकती हूँ क्योंकि वो मैंने हस्बैंड ऑफिस है उसके बाद में मैंने जब उनको केक को डिलीवर करना था उसके पंद्रह बीस मिनट पहले ही मैंने उसको तैयार किया था तो मैं उसका फ़ोटो नहीं पाई तो यहाँ पर इस तरीके से मेरी कार फिनिश हो गई थी तो ये मेरी तरह से मैंने बना दिया था थोड़े से मोती वगैरह डाल दिए थे तो इस तरीके से मैंने बना लिया था लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए हैं मैंने तो ये रहा मेरा फाइनल लुक मेरी कार का और आप किचन में देख सकते हैं किस तरीके का मैस हो चुका है बहुत गई थी और बहुत सारे काम थे उस दिन थोड़ी सी सिल्वर बॉल्स और डाली थी मैंने मोटी वाली और एक ये टॉपर मैंने ऐसी हैंडमेड बना के प्रिंट निकाल के लगा दिया था थोड़ा सोना सोना सा लग रहा था इसलिए और ये घास बना दी कुछ फ्लावर्स बना दी और ये मेरे ब्यूटीफुल कार्थिन के एक तैयार हो गया है आप लोग को कैसे लगा अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में इसी तरीके की और अच्छी वीडियो के साथ में तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय